चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी बले उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा मोमो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझे हीरों का हार दो जड़ाऊ कंगन और 12 सोने की चूड़ियां देखा कैसा मस्कीनों वाला मुंह बन जाता है मेरी जरा सी फरमाइश पर क्या करूं फिर अरे मेरा ससुर नबील के ससुर की तरह कोई करोड़पति नहीं था शफीक आप मुझे वो दे रहे हैं वो क्या वो जो आप कभी नहीं देना चाहते तोहफा नहीं जिससे मुझे बड़ा सदमा लगेगा तलाक अरे मोमो मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा भाई चुप बेहिस आदमी एक तो तुम भी हर वक्त ना मुझे ताने देती रहती हो हाँ हाँ ताना आप मुझे ताना देना चाहते हैं देखो मोमो एक अच्छी बीवी का ना फर्ज होता है कि वो अपने मियां का ख्याल रखे उसके काम करे उसकी खिदमत करे वरना उस शख्स को पूरा हक है दूसरी शादी करने का जो अगर दूसरी बीवी भी खुश ना रख सके तो तीसरी शादी कर ले बड़ी अच्छी है भाई बड़ी अच्छी है मोमो ये मत भूलो हमें 4 शादियां करने की इजाजत है ठीक है फिर मैं भी आपको छोड़ के ना तीसरी शादी कर लूंगी मोमो तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो ऐसे मोमो मोमो ऐसा नहीं करो ना फिर मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा आप आए ना गधा पहाड़ के नीचे ऊंट मोमो ऊंट नहीं मैंने आपको गधा ही कहा है मोमो चुप खबरदार जो कुछ चोरपन किया हो तो हेलो पहचाना मुझे खूबसूरत खूबसूरत तो मैं हूँ खैर अब इतनी भी नहीं हो याद है कॉलेज के सारे लड़के तुम्हें छोड़ के मेरे पीछे लगते थे और जलती थी तुम एक्सक्यूज मी कौन है आप अरे मैं दिलकश यार जिसे कॉलेज में सबसे सख्त कंपटीशन होता था तुम्हारा हाँ और हर बार मैं जीत जाया करती थी तुम्हें याद है एक बार जर्सी में तुमने मेरा मेकअप चुरा लिया था वो तो मैं ये देखना चाहती थी कि तुम बगैर मेकअप के कैसे लगती हो ये बताओ इतने अरसे बाद कैसे याद किया भाई वो एक्चुअली 4 साल बाद मैं अपने प्राइवेट जेट पे ना कराची वापस आई हूँ तो सोचा तुमसे भी मिल लूँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अभी एड्रेस सेंड करती हूँ हाँ ओके बाय प्राइवेट जेट अरे आपका कुत्ता क्या है मेरा मतलब घोड़ा क्या है आप हैं कौन मैं दिलकश हूँ आप वाकई बड़ी दिलकश हैं लेकिन छोटी पैकिंग में अरे भाई मेरा नाम दिलकश है कितना प्यारा नाम है बिल्कुल आपकी तरह बाय द वे मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी खिदमत नहीं नहीं वो तो मैं सदाकत से करवाती हूँ सदाकत सदाकत अरे आप छोड़े मैं बुलाता हूँ ओए सदाकत किधर मर गया इधर आ ये मुलाजम कुछ ज्यादा बड़ी उम्र का नहीं रखा हुआ आपने ये नौकर नहीं है सॉरी सॉरी ये आपके पापा हैं अस्सलाम वालेकुम अंकल कैसे हैं आप अरे भाई मैं दिलकश का शौहर हूँ क्या जी जी मैं खूबसूरत की दोस्त हूँ उनसे मिलने आई हूँ अच्छा 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 अंदर आइए ना आप भी साथ आएंगे क्या अरे भाई मैं अपनी बीवी के साथ साथ रहता हूँ हमेशा क्यों आप इनके नजर बटू हैं क्या कहा कुछ नहीं कहा आप भी तशरीफ साथ ही ले हैं दस किलो ज्यादा मेकअप क्यों लगाया हुआ है शमीम खूबसूरत माँ जी ओह खूबसूरत लगने के लिए ना वो तो तू जरा नहीं लग रही देख मेरी तरह ना नहार मो तूने 2 दर्जन केले खाने हसीन हो जाएगी अरे मोमो क्यों सुबह सुबह उसे हैजा करवाओगी तुम ओह माँ जी प्लीज मुझे तंग मत करें मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रही हूँ आज वो
जानू देखो ये कौन आया छोटी पैकिंग में। दिलकश कैसी हो? बिल्कुल ठीक। नहीं तू तो कह रही थी कि तेरी सहेली अपने शौहर के साथ आ रही है, ये तो अपने दादे के साथ आ गई। ओ माँ जी, ये इनके दादा नहीं है, शौहरे नामदार हैं। इनका नाम नामदार है? भाई मेरा नाम तो सदाकत है। हिना दिलकश जी आप यहाँ बैठे। ओ दांत अंदर रखे वरना सारे के सारे तोड़ दूंगी। तुम कैसी खूबसूरत? मैं बहुत अच्छी हूँ। बड़ी अच्छी है, सास की जरा खिदमत नहीं करती, बड़े नखरे इसके। माँ जी एक्चुअली इन्हें भूलने की आदत है ना, भूल जाती हैं कि मैं कितनी खिदमत करती हूँ इनकी। दिलकश जी आप आराम से बैठे, माँ जी जूस लाएं। ना मैं जूस क्यों लेकर आऊँ? माँ जी घर आई बहू के साथ आप ऐसे सलूक करेंगी क्या? अगर मेरा मतलब है कि घर आए मेहमान के साथ तो ऐसे सलूक नहीं करते ना। भाई मेरे लिए भी जूस ले आइएगा। मेरे ख्याल इस उम्र में आपके लिए सादा पानी ठीक रहेगा, क्यों अंकल? अंकल माँ जी आप जाए ना जाए प्लीज। चलो हम लॉन में चल के बातें करें। चलो चलो थोड़ी फर्क लग रही हो, क्या हुआ? क्या करूं, सदाकत मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं, आगे पीछे नौकरों की फौज लगी रहती है। वैसे यहाँ मुझे कोई नौकर नजर नहीं आ रहा। नौकर तो है लेकिन आज छुट्टी पर। ओह तो आजकल घर का काम तुम खुद कर रही हो? You poor girl, मुझे बता देती मैं तुम्हारे लिए कोई नौकर गिफ्ट मिले आती। So kind of you. तुम्हारा मेकअप कुछ फटाफटा सा लग रहा है। क्या? हाँ इम्पोर्टेड नहीं होगा ना, मैं तो ब्रांडेड चीजें यूज करती हूँ, मेरा तो मेकअप आर्टिस्ट भी अलग है। एक बात बताओ दिलकश, तुमने इतने बुढ़े आदमी से शादी कैसे कर ली? कोई और नहीं मिला था? मेरे तो हजारों प्रपोजल आए थे लेकिन मैंने खुद सदाकत को हाँ की थी। क्यों? इसलिए कि वो मिलियनेयर है, आज नहीं तो कल वो मेरे लिए सारी दौलत छोड़ के मर जाएगा और मैं फिर किसी खूबसूरत लड़के से शादी कर लूंगी। ओह माय गॉड, तुम कितनी इविल हो। जवान और हैंडसम बंदे से शादी, इसका मतलब है मेरा पूरा चांस है यहाँ। टन टन टन। अरे क्या हुआ है नबील? महमूद साहब ऐसी खुशखबरी मिली है कि मेरा दिल बाग बाग। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई नबील? दिलकश कह रही थी कि उसे एक खूबसूरत नौजवान आदमी की तलाश है बॉडी गार्ड के लिए। महमूद साहब घटिया बातें करेंगे आप शादी के लिए। क्या? हाँ महमूद साहब हाँ, वो अपने बुढ़े शौहर के मरने के बाद दूसरी शादी करेगी। अच्छा किया है नबील तुमने मुझे बता दिया, मैं अभी जाके दिलकश से बात करता हूँ। मेरे रिश्ते की? कितने अच्छे हैं मामा साहब। अरे तुम्हारे नहीं, मैं अपने रिश्ते की बात करूंगा भाई। क्या? देखो नबील तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक अमीर बीवी है, देखो मुझे कोई हाथ पांव मारने दो। घटिया आदमी, मुझे पहले समझ आना चाहिए था कि बड़े मुंह वाले इंसान का इत्मार करना ही नहीं चाहिए, जैसे अली इमरान का मैं नहीं करता। अरे नबील एक बात कान खोल के सुन लो, दिलकश की जोड़ी सिर्फ मेरे साथ ही अच्छी लगेगी। और ड्राइवर लगेंगे, बड़े मुंह वाले इंसान आप उसके ड्राइवर लगेंगे और मुंह भी पूरा नहीं आएगा आगे। अरे नबील अभी तुम्हें मेरी शख्सियत के शहर का इल्म ही नहीं है। अच्छा किसी शहर के साथ भी चक्कर चल रहा है आपका? अरे बहुत ही जाहिल आदमी हो तुम भाई। महमूद साहब ये मैं आपको खुली धमकी दे रहा हूँ, अगर आप और मेरे दिलकश के दरमियान में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। देखो नबील दिलकश इस घर में सिर्फ मेरे लिए आई है। शर्म करें यार, कुछ तो उम्र का लिहाज करें। अरे अब इतनी भी ज्यादा उम्र नहीं है दिलकश की। मैं दिलकश की नहीं आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ। शेर कभी बूढ़ा नहीं होता नबील। वो शेर भी तो नहीं है आप, लकड़ पकड़ है आप, वो भी बड़े मुंह वाला। तुम कुछ भी कहो मछंदर, दिलकश सिर्फ मेरी। और जाए जाकर मुंह धोके आए। अरे यार नबील अभी सुबह ही तो ना आया हूँ यार। दिलकश मेरी दिलकश में आ रहा हूँ। ऐसे कैसे आ रहा हूँ? मैं भी आ रहा हूँ। दिलकश जी मैंने सुना है कि आप दूसरी शादी का इरादा रखती हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तो मेरे शोहर जिंदा है ना। लेकिन देखिए बुकिंग तो पहले से हो सकती है ना। देखिए आपको मेरे जैसा जवान गबरू काम चोर और निकम्मा कहीं नहीं मिलेगा। अरे रुको तो देखो, देखो दिलकश तुम्हें मेरे जैसे बाशऊर और सुलझे हुए आदमी की जरूरत है। अरे ये तो एक नंबर का दो नंबर आदमी है। अरे ये तो हर वक्त डेटे मारता रहता है लड़कियों के साथ। अरे आप कौन से दूध के दुले हुए हैं? मुझे पता है आसपास की आंटियों को नंबर लिख के कागज पे उसका जहाज बना
उड़ाते हैं आप? वो तो मैं जहाज उड़ाने की प्रैक्टिस करता हूँ। एक मिनट, मैं तुम दोनों में से उससे शादी करूंगी जो सदाकत को रास्ते से हटा देगा। तुम लोगों को ना उसका मर्डर करना होगा। मर्डर? हाँ, क्योंकि उसके मरने के बाद ही तो तमाम दौलत मुझे मिलेगी। तुम दोनों में से जो भी सदाकत को मारेगा मैं उससे शादी करूँ। तुम फिक्र मत करो दिलकश, उस कांटे को तो मैं यूं चुटकियों में निकालूंगा। तुम क्या, मैं निकालूंगा चुटकियों में? आप तो खुद कांटे हैं। अरे चल जा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करना, मैं हूँ ना। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज, इसे पीते ही बुढ़ा सुकून से सो जाएगा। फिर उसके बाद सिरे वाले आ मान जवानिया, सिरे वाले आ पो 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 पो। सदाकत साहब, ये ले, मैं अपने हाथों से आपके लिए जूस बना के लाया हूँ। अरे वाह 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 भाई, मुझे वाकई बड़ी प्यास लगी हुई थी। तो पिए जूस, ये आपकी प्यास हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। इतना आला जूस है। अच्छा, पी तो ले। शाबाश, वाह वाह वाह, और पिए और पिए। अच्छा है ना? गुड, एक दफा और पिए। भाई वाह, मजा आया? हाँ, कुछ मजा सा आ रहा है। अरे वाह वाह वाह, ऐसा करें तो मैं थोड़ा आराम। ले भाई, क्या बुड्ढा क्या। महमूद साहब, आप यहाँ बैठे सोचते रहे, मैंने सदाकत का पत्ता साफ कर दिया है। कौन सा पत्ता पुत्र? मैंने सदाकत को जहर दे दिया है माँ जी। होशब जी, अब मैं दिलकश से शादी करूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा। दिलकश? अरे भाई दिलकश, अरे आप तो सदाकत साहब बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ भाई नबील, तुमने ऐसा जूस पिलाया है, क्या कमाल का जूस था। मैं चाको चौगन हो गया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने कमरे में हूँ, मेरा खाना वहीं पहुँचवा दीजिए। ले पुत्र, तू तो कह रहा था कि तूने इसे जहर दे दिया, ये तो चंगा पला निकला। अब नहीं रहेगा, अब इसे मैं मारूंगा और दिलकश से शादी करूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप अफ्तखार? महमूद, गोली मारे महमूद को, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अरे हटो तुम। रईस रुक जे, रुक जे रईस, रुक जे माँ जी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी बले, उस पार निकलते हैं। ओ क्या हो गया माँ जी? पुत्र मैं बता रही हूँ, अगर शफीक ने दूसरी शादी की तो मैं पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूंगी। खुद को? नहीं नहीं, शफीक को और उसकी बीवी को। ओ माँ जी, कैसी बातें कर रही है, इसमें दिलकश का क्या कसूर? आपका मियाँ ही दिल फेंक है यार। हो गया हो गया हो गया, काम तमाम हो गया। अरे शादी की तैयारियां करो। नहीं नहीं, ये दूसरी शादी नहीं हो सकती। महमूद, चार शादियां कर ले, मगर मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। स्लीप। अंदर कुछ घुटन सी हो रही थी तो मैंने सोचा बाहर आ जाऊं। अरे क्या हो गया भाई, लगता है तुमने भी मेरी तरह कोई बुरा ख्वाब देख लिया है। ख्वाब? हाँ भाई, मैंने ख्वाब देखा कि कोई मेरे मुंह पर तकिया रख के मेरा दम घुट रहा है। चलो खैर, ख्वाब था, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ा और आराम कर लूँ। महमूद साहब, मुझे लगता है इस शख्स ने आबे हयात पिया हुआ है, अब इसके मर्डर की तैयारी मिलके करनी पड़ेगी। चुप है कटिया आदमी, अभी जा तेरी बीवी को तेरी करतूतें बताती हूँ। मामा, 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 म
محمود صاحب آپ تو بیٹھے نا پلاننگ کرتے ہیں. وہ جو بیٹھ کے کرنی ہے وہ پلاننگ ہے. ہاں جی ہاں جی اچھی والی کرو. چلو ہاں جمیلا جی تیری دوست نہیں ہے وہ ہے. وہ کیا؟ وہی ہے جو شکل سے لگتی ہے. دلکش؟ دلکش نہیں وہ جو ٹس لیتی ہے. شہد کی مکھی؟ اوے نہیں شکیلا وہ جو بڑی زہریلی ہوتی ہے. ناگن؟ ہاں ناگن. تیری دوست ایک ناگن ہے. یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی؟ آنٹی ہوگی تو. ماں جی آپ کیوں اس پہ بلا وجہ غصہ ہو رہی ہیں؟ اور تانیہ تجھے نہیں پتا یہ کفیل اور عدیل کو کیسے نچا رہی ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ ہم دونوں کے شوہر. اس کٹیا عورت نے کہا ہے کہ یہ ان دونوں سے شادی کر لے گی. کیا مطلب دونوں سے؟ نہیں نہیں اس سے جو اس کے بڈھے شوہر کو مار دے گا. کیا دلکش یہ سب کیا بکواس ہے یار؟ اب اگر تمہارا شوہر میرے پیچھے پاگل ہو رہا ہے تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ کیا تم میرے ہی گھر میں آ کے میرا ہی شوہر مجھ سے چھین رہی ہو؟ چل زبیدہ اس پہ پٹرول چھڑک کے نا اس کو آگ لگا دیتے ہیں. اوہ ماں جی آپ ایک منٹ رکیں. دلکش تم اسی وقت اپنے شوہر کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ. نہیں اب تو میں اپنے دوسرے شوہر کو یہاں سے لے کر ہی جاؤں. What? نبیل محمود کہاں ہو تم لوگ؟ ماں جی آئے چل کے اس کے میاں کی آنکھیں کھولتے ہیں. کیوں اس کے میاں کی آنکھیں بند ہیں شہر بانو؟ خوبصورت. اچھا خوبصورت ہے. آج چلے میرا نام صداقت ہے. ہاں تو شرافت سے اٹھ جا صداقت نہیں تو میرے سے کوئی حماقت ہو جائے گی. واہ ماں جی واہ. تھینک یو پتر. چل اٹھ یہاں تو بسترے توڑنے آئے جا کے اپنی بیوی سنبھال. کیوں کیا ہوا دلکش کو؟ آپ کی دلکش ہمارے شوہروں پہ ڈورے ڈال رہی ہے. کیا؟ ہاں اور وہ تینوں مل کے نا تیرا خون کرنے والے. خون؟ جی ہاں نبیل اور محمود صاحب میں سے جو بھی آپ کا خون کرے گا نا دلکش اس سے شادی کرے گی. کیا میری دلکش کبھی ایسا نہیں کر سکتی. او یہ سچ ہے رفاقت. بھائی میں صداقت ہوں. تو جو بھی ہو تیری بیوی بڑی کٹنی ہے بھائی. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری دلکش مجھے دھوکا دے سکتی ہے. تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے جا کے. چلو میں دیکھتا ہوں. ماں جی ہم بھی چل کر دیکھتے ہیں. چلے چھنکتی آنکھ میں ایک نشہ ہے گال پہ اس کے دل کا نشان ہے. چھنکتی آنکھ میں ایک نشہ ہے گال پہ اس کے دل کا نشان ہے. اس پہ پھر اس کی حیا ہے وہ دل لے لیا ہے یہ دل بولے. دلکش یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ ہاں اب بولو چپ کیوں ہو گئی؟ اب پتا چلے گا تجھے دل خوش. دلکش دلکش یہ میری ناک کے نیچے کیا چل رہا ہے؟ آپ کی ناک کے نیچے تو کچھ بھی نہیں چل رہا. بس دلکش میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. کیا؟ ہاں اور میری جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی تمہیں. میں نے تو پہلے کہا تھا کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں گھٹیا عورت. اب میں اس عورت کو شادی کا پیغام دوں گا جس نے تم جیسے گھٹیا لوگوں سے میری جان بچائی ہے. محترمہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ہائے مجھے قبول ہے. دیکھو میرے پیچھے پولیس لگی ہے اور تم لوگوں نے میرے واپس آنے تک میری منگیتر کو اپنے پاس رکھنا ہے. کیا؟ ہاں ہاں میں کچھ دیر بعد واپس آ کر اس کو لے جاؤں گا. ارے میں نے تو تمہیں دیکھتے ہی تمہاری آنکھوں میں پڑھ لیا تھا. کیا؟ ہاں معصوم میں جانتا ہوں تم مجھے دیکھتے ہی مجھ میں لٹو ہو گئی تھی. ارے وہ اب کالیا بدماش ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا. میں تو اسے صاف صاف کہہ دوں گی کہ معصوم کو ماں جی نے بھگایا ہے. اگر گولی مارنی ہے تو انہیں مارے. آپ میرے حصے کی گولی کھا لیں گے نا شہود؟ قاضی صاحب آپ نا کالیہ کا نکاح پڑھوانے سے منع کر رہے پلیز. ارے بھائی اس نے تو خود مجھے ڈرا دھمکا کر یہاں بلایا ہے. میں تو خود اپنی تیسری شادی چھوڑ کر یہاں آیا ہوں. کیا یہ شادی نہیں ہو سکتی؟ اوے تو یہ کیا میری معصوم کدھر ہے؟ اور تیری معصوم تو بڑی چلاک تھی کب کی بھاگ گئی. چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں یہ ہے بابا. چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں یہ ہے بابا. چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں یہ ہے بابا. چل ببل بناتے چلتے ہیں دریا کے پار نکلتے ہیں. اس بار کی دیکھی جائے گی پرے اس بار نکلتے ہیں. یار ببل بنائے جلدا جا کوئی جائے جائے جلدا جا.
जा कोई आए जाए।